Hello children, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का super awesome channel Leaving like Talking Textbooks Leaving No Child Behind, जो हम लोग का motto है वही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग quality level education provide कर सके, क्योंकि हर एक बच्चे की एक basic क्या बोलूँगी राइट होती है कि उसको क्वालिटी लेवल एजुकेशन मिले. सो वो सारे कोर्सेज जिसमें हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, दोज आर ऑफ 6 to 8 ओलंपियाड्स, एनटीएससी, एनएससी, जेएसपी, आरएमओ एंड 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन. तो इसके अंदर हम लोग बेसिक एनसीईआरटी को कवर करने के बाद जो ओलंपियाड लेवल होता है साइंस मैथ्स का, हम लोग वहाँ तक एवरीथिंग कवर कर रहे होंगे. ठीक है क्या? ठीक है क्या मेरे बच्चों? सो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ बेसिकली ऑफ एनएमटीसी प्राइमरी मेंसुरेशन चैप्टर हम लोग कर रहे थे. सो 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके थे चिल्ड्रन, एंड टुडे वुड बी द 4th लेक्चर ऑन दैट. और हम लोग आज बेसिकली सर्कल का जो एरिया और पेरीमीटर है हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे आज बहुत सारे. ठीक है ठीक है ठीक है. ये हम लोग की बहुत ही सुपर ऑसम टीम है जो आप लोग के लिए लेकर के आई है बहुत सारा क्वालिटी एजुकेशन, बहुत सारे एजुकेशन वीडियोस. अब लाइक हम सब के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं. इफ़ यू हैवन स्टार्टेड वॉचिंग देम देन प्लीज़ डू इट, बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं. लेट्स स्टार्ट वॉचिंग देम. अभी वाले भी देखने हैं और पुराने वाले भी कंटिन्यू करना है देखने के लिए, राइट? This is a brief about me. So I'm teaching NMTC primary and sub junior and 6 to 8 to mathematics. This is me children, Aditi. My name is Aditi and this is our telegram channel. So this is according to class, मतलब different class के लिए different telegram channel है. And what you are supposed to do is join according to your class. तो जो भी information होगा related to the video lectures वो सब आपको वहाँ provide हो रहा होगा. लाइक कुछ भी मिस आउट नहीं होगा, क्योंकि जैसा करिकुलम कोटा में फॉलो होता है उसी तरह से हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं. सो बेसिकली कुछ भी चीज़ लाइक जो टाइम टेबल प्रॉपर होता है वो सब कुछ शेयर हो रहा होगा. तो लाइक इफ़ यू आर जॉइंट ऑन द टेलीग्राम चैनल तो आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हुआ, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे इसमें. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो प्लीज़ जॉइन अकॉर्डिंग टू योर क्लास. सो लाइक इफ़ यू आर इन 6th स्टैंडर्ड देन जॉइन फॉर TTB 06 एंड सो एंड सो फोर्थ. क्लियर? ये हम लोग का वेबसाइट है चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपको यू विल सी मेनी थिंग्स, बट द थिंग दैट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू इज द पैकेजेस विच आर हाईली हाईली अफोर्डेबल. एंड दैट्स द रीज़न कि अफोर्डेबल इसलिए रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग इसे लाइक प्रोवाइड करवा सकें. And as you can see children that 9000 is the highest price. So this is an example for 6th, 7th, 8th ka bhi same hai. And like 9000 is the highest price, and when you use my code AVLIVE to usme bhi 30% ka discount ho jayega. Like all the packages would give you 30% discount if you use my code AVLIVE, right? To uske andar ab 6300 mein aapko complete package hai, right? So you like you are getting the study material and the test series and everything else. Clear? Same is the case with like if you see the test series वाला जो package है वो. तो अब उसके अंदर क्या हो रहा है, like if you do not require the package जिसमें पूरा study material है, तो आप क्या कर सकते हो कि only test series वाला भी like you can take the package. तो उसमें क्या हो रहा होगा कि only test series you will get for whole year, पूरे year के लिए होगी वो. एंड पीरियोडिक टेस्ट होते रहेंगे, क्यूमुलेटिव एंड पार्ट टेस्ट होते रहेंगे, राइट? दैट इज टू थिंग्स. अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि बाई वीकली क्विजेज आर फ्री चिल्ड्रन, सो आई ऑलवेज आस्क यू टू डू इट. सो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग योर बाई वीकली क्विजेज विच आर ऑब्वियसली फॉर फ्री एंड ऑफ ओलंपियाड लेवल. सो एनी वेज इट इज़ गुड फॉर यू टू डू दैम, राइट? एंड यस, वेयर विल यू गेट दीज बाई वीकली क्विजेज? ऑन आर टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म. अगेन जो बहुत सारे पेमेंट मोड्स हैं वो आपको राइट साइड में बता रखे हैं. इनमें से कोई भी आप अप्लाई कर दो. क्वेरीज रह जाती है तो यू कैन कॉल ऑन द नंबर विच इज़ रिटन डाउन एकदम नीचे नीचे, विच इज़ 9549041111. क्लियर है? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू ऑल, राइट? सो लेट्स कंप्लीट द प्रॉमिस एंड देन वील स्टार्ट विद टूडेज लेक्चर ऑन सर्कल्स, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल्स. सो वी स्टडी अबाउट पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, उनके पेरीमीटर एरियाज हमने किए थे.
नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हमने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा था, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, पैलोग्राम का क्या एरिया है, रॉम्बस, ऑल दिस वी स्टडीड, राइट, ट्रेपीजियम, फिर कुछ क्वेश्चन ही कम कर पाए थे. नेक्स्ट लेक्चर में हमने फिर उसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन किए, राइट. एंड टुडेज लेक्चर इज ऑन सर्कल्स, राइट. तो बेसिकली सर्कल होता क्या है, आज का लेक्चर है सर्कल एंड सेमी सर्कल, ठीक है क्या, दोनों का ही मैं बता दूंगी. सो सर्कल्स बेसिकली क्या होते हैं, सर्कल इज अ पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट विच मूव्स इन सच अ मैनर दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल. द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो अगर मैंने ये एक सर्कल बनाया, ठीक है, अब यहाँ पे दो, ये सर्कल जैसा थोड़ा लग नहीं रहा है, बट नंदलेस ये क्या होगा, दिस इज द सेंटर, दिस टू दिस इज रेडियस, राइट. तो मतलब यहां से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मतलब एक पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैं रोप को या पेंसिल को या किसी को भी इस तरह से उसके आसपास घुमा रहे हैं, तो मुझे जो स्ट्रक्चर मिल रहा है, राइट, जो फिगर मिल रही है, दैट इज नोन एज व्हाट, सर्कल, ठीक है. तो इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर वो हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा, हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा, जिसे क्या कहा जाएगा, रेडियस कहा जाएगा, राइट, जिसको क्या कहा जाएगा, रेडियस कहा जाएगा. सो सेंटर से जो उसका पेरिफेरी है वहां तक जितना भी डिस्टेंस है उसको कहा जाता है रेडियस. अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके एरिया की. सो व्हाट इज द एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बचपने से पढ़ते हैं हम. सर्कमफेरेंस, अब इसको अपन डिनोट कर देते हैं ए से, देन वी टॉक अबाउट सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस क्या होता है भाई, जो उसका पाथ है, ये जो उसका आउटलाइन है ना, जो पेरिफेरी है, दैट दिस इज नोन एज व्हाट, सर्कमफेरेंस. सो सर्कमफेरेंस इज सी इक्वल्स टू टू पाई आर, टू पाई आर होता है सर्कमफेरेंस. देन इम्पॉर्टेंट थिंग डायामीटर, डायामीटर क्या होता है, लेट्स डिनोटेड बाय डी, क्या होता है ये, ट्वाइस ऑफ आर, मतलब रेडियस का टू टाइम्स, यानी कि अगर मैं ऐसा कुछ ड्रॉ करूं तो ये क्या बना रहा है, सर्कल से पास होती हुई ये जो लाइन है वो क्या कह रही है, दैट इज द डायामीटर डी विच इज ट्वाइस ऑफ आर, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ट्वाइस ऑफ आर मतलब, देखो मैं बना के बताती हूँ, ये मेरा सेंटर है, ठीक है, यहाँ से मैंने एक लाइन पास करी, सेंटर से मतलब मैंने एक लाइन पास करी, तो ये क्या कहलाएगी, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर होता है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है, टू आर होता है, और इसको क्या कहा जाता है, डायामीटर, ठीक. डायमीटर क्या हो गया, ऑब्वियसली टू आर, क्लियर. अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसके अंदर मुझे बतानी है, कुछ दो बातें हैं जो आपको सुनानी है. डिस्टेंस मूव बाय रोटेटिंग व्हील इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, राइट. तो मतलब मान लो एक रोटेटिंग व्हील है, ठीक है, रोटेटिंग व्हील यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ठीक है, वो देखा है व्हील, देखा है व्हील, मतलब बुलक कार्ट देखी है कभी, फोटोग्राफ में देखी होगी कभी आपने, उसमें व्हील लगा हुआ रहता है, ऐसे ही रहता है. अब व्हील मान लो यहाँ पे चला, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है स्टेशनरी पोजीशन पे, अब इसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, इसने आगे बढ़ना स्टार्ट किया, तो ये यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, ठीक है. अब इसका पूरा एक रेवोल्यूशन, मान लो इसको अपन नाम दे देते हैं, या नाम की जगह ऐसा ऐसा डिजाइन बना देते हैं, ठीक है, तो ये बढ़ते बढ़ते मतलब पूरा ऐसा 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 चला, और फिर इस पोजीशन पे वापस ये, इस पोजीशन पे देखो ये वापस ऐसा आ गया, मान लेना कि ये बन चुका है,
ठीक है, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे यहाँ पे आ गया। इसका मतलब इसने क्या कवर कर लिया, 2πr, मतलब अपने सर्कमफेरेंस जितना डिस्टेंस, सर्कमफेरेंस जितना डिस्टेंस मतलब वन रेवोल्यूशन इक्वल्स टू वन सर्कमफेरेंस, मतलब एक बार रेवोल्यूशन किया, मतलब एक बार ये व्हील घूमा, इसका मतलब अपने कितने बराबर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, अपने सर्कमफेरेंस के बराबर। ठीक है, क्या सर्कमफेरेंस के बराबर उसने अपना डिस्टेंस कवर कर लिया। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, अब इसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सी बात है, वो बात क्या है, वो बात ये है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस completed by a rotating wheel in one minute is given by डिस्टेंस। भाई देखो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब वो क्या बता रहा है, इन वन मिनट, मतलब कि वो क्या पूछ रहा है बच्चों, देखो कैसे होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन वन मिनट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड इन वन मिनट, डिस्टेंस मूव्ड इन वन मिनट अपॉन circumference. Clear है children? Is this clear? I hope this is clear. तो इन्हीं formulas को हम लोग आगे questions में use करेंगे, अभी use करेंगे, मतलब obviously. लिख लो एक बार इसको. अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेमी सर्कल की। लेट्स टॉक अबाउट सेमी सर्कल नाउ। ओह सॉरी, अब सेमी सर्कल क्या होता है देखो, मतलब जैसे मैंने ये सर्कल बनाया है, ठीक है, अब ये इसका सेंटर है, यहाँ सेंटर से मैंने डायमीटर पास करा दिया, ठीक है। अब ये भी ये इक्वल है इसके, भाई डायमीटर क्या करता है, जो सेंटर से पास हो रहा है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो कोई भी एक पार्ट जब आप ले लोगे तो वो क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा, दैट विल बी नोन एज व्हाट, सेमी सर्कल। सो हाफ ऑफ सर्कल इज सेमी सर्कल, सो लेट्स राइट हियर, ठीक। अब देखो ये क्या है, ये तो है हमारा सेंटर, यहां से यहां तक क्या हो गया भाई, रेडियस है ना, और यहां से अगर यहां की भी मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, रेडियस, ये भी कितना हो गया, रेडियस, ये सब क्या है, रेडियस है। क्लियर है ये बात, तो एकदम क्लियर है, देख पा रहे हो उस सब चीज को, समझ पा रहे हो। तो इसके अंदर पेरीमीटर कितना होगा, समझना आप ध्यान से, ये पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर मतलब देखो ये सर्कल जो यहां से यहां तक जो हम ट्रैवल कर रहे हैं ना, ये पूरा जो पेरीफेरी है ना, बाउंड्री, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की बात हो रही है, तो ये बाउंड्री है इसकी। अब ये बाउंड्री को मैं कैसे निकालूंगी, देखो ये कितना है, देखो सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता था 2πr, 2πr मतलब ये जो बाउंड्री थी है। अब सेमी सर्कल में क्या हो रहा है, सेमी सर्कल मतलब हाफ ऑफ दिस सर्कल, तो मतलब इसका सर्कमफेरेंस कितना हो गया, 2πr अपॉन टू मतलब कितना हो गया, πr। तो भाई ये वाला जो रीजन था ना, ये तो मुझे मिल गया कि ये तो क्या है, 2πr/2,
क्योंकि सर्कल का आधा है, इसको मैं अगर पूरा करूंगी तो यहाँ से सर्कल पूरा हो जाएगा मेरा, इस तरह से सर्कल मेरा पूरा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2πr/2 मतलब पाया। तो ये तो ये वाली चीज़ हो गई। अब इसके लिए पूछ रहा है वो, ये कितना हुआ, हाउ मच इज दिस, तो ये कितना हुआ, 2r हुआ भाई, एक r ये है, एक r ये है, तो 2r, राइट, डायमीटर भी बोल सकते हो आप इसको। अब देखो तो कितना हो गया, पाए r प्लस 2r, कॉमन ले सकते हैं r, तो कॉमन r ले सकती हूँ, तो कितना हुआ, पाए प्लस 2, तो पेरीमीटर मेरा कितना आ गया, r पाए प्लस 2, या ये भी ले सकते हो पाई आर प्लस 2r, जो भी आपको याद रह जाए, जो भी आपको दोनों में से याद रह जाए, राइट। और एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा भाई, टोटल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ ऑफ सर्कल, हाफ ऑफ सर्कल होता है भाई सर्कल का आधा, इतने इसको पूरा करूंगी तो सर्कल पूरा हो जाएगा, इसका मतलब सर्कल का जितना एरिया है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो पाई आर स्क्वायर आ जाता है। सिंपल है, सिंपल सी बात है, नोट कर लो इसको, नोट कर लो चिल्ड्रन इसको, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद से अपन सारे क्वेश्चन ही करेंगे सर्कल से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट। दो इतना इजी लगता है, इतना इजी दिखता है कि सर्कल एक गोल ही तो है, बट देन इट हैज, इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है ये एक्चुअली सर्कल, राइट। तो अपन इस पे बेस कुछ चंद क्वेश्चन करेंगे। द क्वेश्चन सेज, फाइंड द लेंथ ऑफ अ रोप, फाइंड द लेंथ ऑफ अ रोप, find the length of a rope by which a cow must be tethered, by which a cow must be tethered, tethered means मतलब जुड़ी हुई, बंधी हुई, tethered in order that it may be able to, that it may be able to graze, it may be able to graze an area of 9856 meter square. Clear? इस question को करो, कर लिया। अब देखो वो क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप बाय विच अ काउ मस्ट बी टेथर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे बी एबल टू ग्रेज एन एरिया ऑफ 10 मीटर, मतलब ऑब्वियसली काउ एक पोल से बंधी है, ठीक है, यहां पे एक पोल से बंधी है। अब वो क्या कर पा रही है भाई, इस तरह से बंधी है तो वो पूरे इतने एरिया में ग्रेस कर पाएगी, राइट। समझना कि भाई यहां से ये इस पूरे एरिया में एक सर्कल बना है, ये मेरा पोल है,
ये मेरी रोप है, दिस इज माई रोप, यहाँ मेरी मानो कि ये क्या है, काओ है, ठीक है, काओ को अपन ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक काओ है, दिस इज काओ, ठीक है। अब ये जो काओ है, यह ऐसे भी मैं बना सकती हूँ, देखो अच्छी काओ बनाऊंगी मैं, लाइक दिस, अच्छी मतलब अच्छी तो क्या बनेगी, ये मेरी क्या है, ये मेरी काओ है, लग नहीं रहे पर मानो कि ये काओ है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, इस पूरे एरिया के अंदर खाती जा रही, खाती जा रही। अब ऐसा तो है नहीं कि गाय है तो खाली इस रास्ते में खाएगी, सिर्फ उसकी पेरिफेरी या बैकग्राउंड, मतलब जो बैकग्राउंड बोल रही हूँ मैं, जो इसका जो सर्कमफेरेंस है, सिर्फ इस जगह पर खाएगी, ऐसा तो है नहीं, ऑब्वियसली रोप है तो वो इन सब जगहों पर खाएगी, लाइक शी इज गोइंग टू ईट ग्रास फ्रॉम ऑल ओवर हेयर, बहुत कुचुड़ मुचुड़ हो गया, और ग्रास को अपन ग्रीन बनाते हैं ना, वाह यार, यस भूल ही गए मैं तो, यस, तो यहाँ पे ग्रास उग रही है, तो ये सब ये इस ग्रास को खा लेगी, सब जगह की ग्रास को खाएगी, सिर्फ बाउंड्री वाली ग्रास को खाएगी, ऐसा नहीं है ना। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, सही बात है भाई, जितना बड़ा रोप है वो एक्चुअली इस सर्कल का रेडियस ही है, मान लो कि भाई ये सर्कल है ना, ये इस तरह से कुछ तो मान लेना आप लोग, बस सर्कल मान लो इसको, है ना। तो अब ये क्या है, बेसिकली लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल हमें पता नहीं है, पर एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसके अंदर एरिया मुझको ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 9856, पाई 22/7, आर स्क्वायर मुझको पता नहीं, ठीक। तो अब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमको रेडियस कितना मिल जाएगा, सो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9856 इंटू 7 अपॉन 22, कितना हो गया 3136। तो इसका मतलब R कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 3136, विच विल बी इक्वल टू व्हाट 56। मतलब कि लेंथ ऑफ रोप इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब जो रेडियस ऑफ सर्कल था दैट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रोप विच हैज कम आउट टू बी 56 मीटर्स, 56 मीटर के बराबर आ गया, क्लियर है, क्लियर हो गया क्या। नेक्स्ट करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द एरिया ऑफ अ सर्क्यूलर फील्ड, एरिया ऑफ अ सर्क्यूलर फील्ड इज 13.86 हेक्टेयर्स, ठीक। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग मतलब फेंस लगाना, मतलब बैरिकेड, मतलब जो पूरा सर्कुलर ग्राउंड है उसके आसपास, उसकी बाउंड्री में क्या कर देना, फेंस कर देना ताकि कोई आ जा ना पाए। फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ रुपीज 4.40 पर मीटर, पर मीटर, ठीक है। तो अब देखो इम्पोर्टेंट बात समझो कि मेरे पास अगर कोई सर्कल है ना, मैंने एक सर्कल बनाया, मतलब मेरा जो मेरा गार्डन है, मान लो कि ये मेरा एक गार्डन है जो सर्कुलर है, ठीक। अब मैं नहीं चाहती कि इस गार्डन के अंदर कोई भी एंटर करे,
ठीक है, कोई भी एंटर करे। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, फ्लावर्स लगा रखे हैं, ठीक है, मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई भी एंटर करे, तो मैं क्या करूँगी, फेंसिंग कहाँ लगाऊंगी, फेंसिंग मतलब बैरिकेड जो होते हैं वो कहाँ लगाऊंगी मैं, ऑब्वियसली इसके कहाँ पर, बाउंड्री पर लगाऊंगी ताकि कोई एंटर ना कर पाए। भाई पूरे के अंदर थोड़ा ना लगा दूंगी, नहीं तो प्लांट्स कहाँ उगाऊंगी, है ना। तो जो बैरिकेड होंगे, फेंसिंग होगी, वो मेरी कहाँ हो रही होगी, बाउंड्री पर हो रही होगी। आए बात समझ में, अंदर नहीं हो रही होगी। तो इसका मतलब आई एम कंसर्न्ड विद व्हाट, सर्कमफेरेंस। मुझे किससे मतलब है, सर्कमफेरेंस से मतलब है इस सर्कल के। पर अब मुझे दिया हुआ क्या है, व्हाट इज गिवन टू मी, गिवन टू मी इज द एरिया, बट एरिया किस में दिया है, हेक्टेयर्स में। तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो मुझे कॉस्ट दे रखी है वो किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। तो ऑलवेज रिमेंबर, यूनिट अपने को सेम करनी होती है, बचपन से सिखाते हैं अपने को, राइट। सो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट। पर अब एरिया मुझे कितना दे रखा है, 13। सबसे पहले तो अपन इस एरिया को कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 13.86 हेक्टेयर। अब ये क्या है, एरिया की यूनिट है भाई, एरिया की यूनिट है, मतलब मीटर स्क्वायर। इससे अपन मीटर स्क्वायर में ही कन्वर्ट करेंगे इसको डायरेक्ट। तो अपन इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू 13.86 इनटू, वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद 10,000। एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमको कितना दे देगा, मीटर स्क्वायर दे देगा। कितना हो जाएगा भाई मेरे बच्चे, 1386,000 मीटर स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो एरिया है वो कितना हो गया दिस। अब अपन इस फॉर्मूला में इसको पुट कर सकते हैं, राइट। तो कितना हो जाएगा, 1,38,600 इक्वल्स टू पाई, दैट इज 22/7। जस्ट अ सेकेंड जी, ठीक है, ये हो गया। अब कितना हो जाएगा, अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, आर स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज गोइंग टू बी, अगर मैं कैलकुलेट कर लूंगी तो डिवाइड इट कैलकुलेटेड तो ये कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 1386 एंड डबल जीरो को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 7 से, डिवाइडेड बाय 22। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी हाउ मच, 44,100। अब मुझे कैलकुलेट करना है आर, तो मैं इसी का ही अंडर रूट ले लूँगी, जो कि मुझे दे देगा कितना, आर इक्वल्स हो जाएगा 210 मीटर्स। कितना हो जाएगा, 210 मीटर्स हो जाएगा। पर अब अगेन आई एम कंसर्न विद सर्कमफेरेंस, राइट। पहले मुझे सर्कमफेरेंस निकालना होगा, तो सर्कमफेरेंस मेरा कितना हो गया, सर्कमफेरेंस कितना है, 2πr है, which is equals to 2 into 22/7 into 210। तो कितना हो गया मेरा, circumference हो गया 1,320 meters, ठीक। अब cost देखो क्या दे रखी, एक meter अगर 4 rupees 40 paisa में आता है, तो इतना meter कितने में आएगा,
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.40 से, मतलब सिंपल सा जो यूनिटरी मेथड होता है. सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी हो गई बच्चों, ऑब्वियसली 1320 इंटू 4.40, तो कितना हो गया ये 5808. क्लियर है, क्लियर है क्या ये बात? हाँ बच्चों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द डायमीटर ऑफ द ड्राइविंग व्हील. The diameter of the diameter of the driving wheel. The diameter of the driving wheel of a bus is 140 centimeter. How many revolutions per minute? How many revolutions, how many revolutions per minute, how many revolutions per minute must the wheel make, must the wheel make in order to keep a speed in order to keep a speed in order to keep a speed of 66 km/h. राइट, अब इसको अपने को देखना है कैसे होगा ये. क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ द ड्राइविंग व्हील ऑफ अ बस इज 140 सेंटीमीटर. मतलब डायमीटर तो वो बता रहा है कि कितना है. अब देखो इसका अपन डायरेक्ट वो भी कर सकते थे, समझते हैं अपन. देखो द डायमीटर ऑफ द ड्राइविंग व्हील ऑफ अ बस इज 140 सेंटीमीटर. हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट द व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आर. अब ये आर का है, आपको याद होगा अपन ने मिनट में निकाला था, राइट. एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू चेंज इट इन टू मीटर्स. ठीक है, अपन इसको भी मीटर में चेंज करेंगे और इसको भी मीटर में चेंज करेंगे. सो डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन 1 मीटर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन 1 मिनट. मतलब 1 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर होगा भाई, एक आर में इतना हो रहा है, 66 किलोमीटर हो रहा है, तो 1 मिनट में कितना होगा, समझ रहे हो? एक आर में अगर 66 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा भाई. 60 आवर्स का मतलब हो गया 60 मिनट, मतलब 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट्स. तो 60 मिनट्स में अगर 66 किलोमीटर है तो 1 मिनट में 66/60, और किलोमीटर है तो उसको मैं काय में चेंज कर दूंगी, किलोमीटर है तो इसको मैं चेंज कर दूंगी मीटर्स में, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, है ना. तो कितना आ गया ये, समझ में आ रहा है? दिस बिकम्स इक्वल टू 1100 मीटर्स. क्लियर है? तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया. अब देखो सर्कमफेरेंस, व्हील का सर्कमफेरेंस कितना है, सर्कमफेरेंस इफ यू रिमेंबर, मैंने अभी आपको बताया था. यहां पे देखो अपने को क्या निकालना था, सी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट. कैसे निकाल रहे थे अपन, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट अपॉन सर्कमफेरेंस.
तो डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट अपन ने निकाल लिया, अब अपन सर्कमफेरेंस निकाल रहे हैं, राइट। अब अपन क्या निकाल रहे हैं, सर्कमफेरेंस निकाल रहे हैं। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr विच इज 2πr, तो ये कितना होगा, 2 × π कितना है, 22/7। आर कितना है, 2 × 22/7। एंड आर, सी द डायमीटर ऑफ अ ड्राइविंग व्हील इज, डायमीटर अपने को इतना दे रखा है, राइट। डायमीटर अपने को कितना दे रखा है, 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इज बेसिकली व्हाट, 2r, राइट। तो अगर मुझे डायमीटर दे रखा है तो मैं उसको क्या कर दूंगी, अपॉन 2 कर दूंगी, इस 2 को इधर ले आऊंगी, तो r इक्वल टू ये हो जाएगा। तो इसका मतलब वन फोर्टी बाय टू, मतलब यहीं पे डायरेक्ट लिख सकती हूँ मैं। अब देखो ये सेंटीमीटर है, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब कि मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 100 से। तो ये कितना हो जाएगा, 100 से, सॉरी 1/100, राइट। तो ये क्या हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब कितना हो जाएगा ये देखो, 2 × 7 = 14 एंड 0 = 10, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 44, मतलब 4.4। सो कितना मिल गया मुझे, 4.4 meters। अब डायरेक्ट वो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट बी मस्ट द व्हील मेक। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हो गए, अभी अपन ने पढ़ा डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस, डिस्टेंस इन 1 मिनट अपॉन सर्कमफेरेंस, अभी पढ़ा ना अपन ने, तो डिस्टेंस इन 1 मिनट कितना है, 1100 अपॉन रेवोल्यूशंस, सॉरी सर्कमफेरेंस 4.4। तो कितना हो गया बच्चों, 250, यानी कि 250 रेवोल्यूशंस हमें चाहिएंगे, क्लियर है। देख लो एक बार इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूं अब मैं, सॉरी आई एम सो सॉरी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ अब मैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ व्हील मेक्स A wheel makes 1000 revolutions. 1000 revolutions in covering a distance of 88 kilometers. Find the radius of the wheel. Is this clear children? Is this clear? Next question करते हैं अपन, अब मतलब इस question को करो। A
A wheel makes 1000 revolutions in covering a distance of 88 kilometers. Find the radius of the wheel. So अब उसी का ही उल्टा है. देखो, distance covered in one revolution. Distance covered in one revolution. कितना होगा? देखो, a wheel makes 1000 revolutions in covering a distance of 88 kilometers. देखो, ऐसे नहीं समझाती मैं, ऐसे समझाती हूँ आपको कि क्या हो रहा है. देखो, 1000 revolutions में distance कितना कवर हो रहा है? Distance covered in 1000 revolutions, इसको ऐसे लिख देते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा. देखो, distance covered in 1000 revolutions. Distance covered in 1000 revolutions equals to 88 kilometers. ठीक है, तो distance covered in one revolution कितना हो जाएगा? 88 upon 1000 किलोमीटर. अब अगर मुझे इसे मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में अगर मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या कर दूंगी? 88 upon 1000 into 1000 कर दूंगी. भाई किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से. सो कितना हो गया ये? 88 meters हो गया. मतलब एक रेवोल्यूशन में कितना चल रहा है? वो 88 meters चल रहा है. आए समझ में? डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज 88 meters. सो अब वो क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील. तो अपन कैसे फाइंड करेंगे? वन रेवोल्यूशन का डिस्टेंस उसने बता रखा है, मतलब वन रेवोल्यूशन उसने बता रखा है 88. सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू वन रेवोल्यूशन. सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन. देखो, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ा देर पहले, इसी लेक्चर में थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि ये जो है, यहाँ से ये व्हील घूमना स्टार्ट किया, मतलब ये पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन थी. यहाँ से ये धीरे 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 घूम करके वापस कहाँ आ गया? इसी पोजीशन पे वापस आ गया, राइट? इसी पोजीशन पे अगर ये वापस आ गया, तो इसका मतलब इसका जो सर्कमफेरेंस के उस पर ही चल रहा था, ये ऑब्वियसली अपनी बाउंड्री पर ही चल रहा था. तो एक पूरा यहाँ से लेकर वापस जब ही यहाँ पर आ गया, इसका मतलब उसने एक रेवोल्यूशन भी कंप्लीट कर लिया, और कहाँ पे उसका एक सर्कमफेरेंस भी मुझे पता लग गया, राइट? तो इसका मतलब वन रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस, उसी को ही मैंने यहाँ पे यूज कर लिया. देखो, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, वही अपन ने देखा. तो वन रेवोल्यूशन का कितना डिस्टेंस था? 88 meters. ठीक, तो अब अगर आपको याद हो कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वॉज इक्वल टू, डिस्टेंस इन वन मिनट, अच्छा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन तो निकालने के लिए बोल ही नहीं रहा है, आई एम सो सॉरी. तो सर्कमफेरेंस उसने ऑलरेडी दे रखा है, रेडियस ही पूछ रहा है वो. तो उसने क्या दे रखा है हमको? सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr इज इक्वल टू 88 meters, वो ऑलरेडी अपने को दे रहा है. अपने को इसमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना ही नहीं, सिर्फ रेडियस निकालना है, वहां तक जाने का ही जरूरत नहीं. सो 2 × 22/7 into r equals to 88, so this becomes equals to 4. r equals
बच्चों कितना हो गया 14 मीटर्स. मतलब वो क्या पूछता था, रेडियस ऑफ द व्हील 14 मीटर्स हो गए. क्लियर है, आया समझ में? आया समझ में बेटा कैसे होएगा? सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसके पेरिमीटर और एरिया से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को कर रहे होंगे सर्कल स्केल. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन. आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. जो भी नहीं समझ आया वो पूछ लीजिएगा, एंड इधर यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एज वेल. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing, and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And remember to use the code AVLIFE to get 30% off discount. Bye bye. Take care.